यार कोई कितनी घटिया मूवी और सीरीज कैसे बना सकता है। हमने कोई मूवी देखी या कोई सीरीज देखी जो बहुत ज्यादा घटिया थी, बहुत ज्यादा वाहियात थी, फिर हम सोचते हैं कि यार इससे घटिया और इससे वाहियात तो कुछ आ ही नहीं सकता। फिर बॉलीवुड जो अपनी इस चीज को अपने दिल पे ले लेता है, वो कहता है यार मैं कोई अच्छा बनाऊ ना बनाऊ, लेकिन मुझसे ज्यादा घटिया चीज तो कोई बना ही नहीं सकता। फिर वो निकल पड़ता है उसी रास्ते पर और बहुत ज्यादा वाहियात चीज हमारे सामने लेकर आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले अद्भुत मूवी के बारे में, जो वाकई में अद्भुत ही है। 2 घंटे इसकी लेंथ है, 2 घंटे के आसपास, बहुत ज्यादा इसको टॉर्चर इसका सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है यार। तो इस मूवी के मेकर्स ने कमाल कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, इसको किसी ओटीटी पर रिलीज नहीं किया, इसको किसी थिएटर में रिलीज नहीं किया, इन्होंने इस मूवी को सीधा टीवी के ऊपर रिलीज कर दिया। सोचा उन्होंने जितना हो सके उतना जनता को परेशान कर दो, इतनी महान कहानी के साथ हमें ये मूवी देखने को मिलती है। बात करते हैं जो इस मूवी की कहानी जो हमें देखने को मिलती है इसमें। तो एक कपल है, वैसे मैं उसका नाम भूल गया कौन वो कपल है, पेशे से वो डॉक्टर है, अच्छी बात है उनका नाम भूल गया, जितना हो सकता है इतना जल्दी दिमाग से निकले बहुत बढ़िया चीज है, वरना एक चीज सरदर्द है। तो ये जो कपल है वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जैसे ये नए घर में जाते हैं तो इनका यहाँ पर एक भूतिया अटैक इनके ऊपर स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको लगता है कि यार हमारे ऊपर भूतिया अटैक कौन कर रहा है, हमारी तो जान चली जाएगी। तो ये एक डिटेक्टिव, एक जासूस हायर करते हैं जो एक जिसका नाम अवस्थी होता है, जिसको प्ले किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने। तो यहाँ पर जो अवस्थी है वो काफी ज्यादा एक इंटेलिजेंट, उससे बड़ा कोई जासूस तो है नहीं, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया। तो वो एक सच्चाई का पता करने मतलब निकल पड़ता है कि भी अटैक कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या सच्चाई है। और जब वो सच्चाई तक पहुंचता है तो उसके पैरों के जमीन से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो उस जमीन में समा जाता है, ऐसी सच्चाई उसको पता चलती है। और हमें भी जब पता चलती है तो हमारा भी सर जो है वो चकरा जाता है। इस तरीके की सच्चाई इसमें दिखाई गई है। वो क्या सच्चाई है उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन जब ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊं तो आपका मतलब दिल ही इससे टूट जाएगा, या फिर आप तोबा तोबा कर लोगे इस मूवी से कि भाई नहीं देखनी हमको। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। बात करते हैं कि इस मूवी में अच्छा क्या है। वैसे अच्छा क्या है ये बोलते वक्त भी मेरी जवान कहां पर ही है, मतलब एक तो इस टॉर्चर को देखो, पहले तो 2 घंटे इसको देखो, फिर इसके बारे में कुछ लिखना है ये उससे भी बड़ा टॉर्चर हो जाता है, और वो भी अच्छा लिखना है इसके लिए, तो यार वो तो मतलब समझ लो किस लेवल पे जाके हमें झेलना पड़ता है इसके टॉर्चर को। तो देखो अच्छे में तो यार मैंने काफी देर तक बैठा सोचा इसके बारे में यार क्या लिखूं, क्या इसके डायलॉग अच्छे हैं, क्या इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या इसकी कहानी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें अच्छी हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, इसमें भाई साहब कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा लगी इसमें से अच्छा ढूंढने में। तो बस ये कह सकता हूं कि इस मूवी में जो अच्छा है वो है इसके अंदर जो व्यू है, जिस तरीके की लोकेशन इसके अंदर मूवी में दिखाई गई है, एक एरियल व्यू यानी ऊपर से व्यू दिखाया जाता है मूवी के अंदर, बस वो एक सीनरी जो व्यू है वो अच्छा है, मतलब सीनरी अच्छी सी आपको देखने को मिलती है, हरियाली आपको देखने को मिलती है, एक पहाड़ी एरिया जो दिखाया गया वो देखने में अच्छा है, बस यही अच्छा है यार। इससे ज्यादा अच्छा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, वरना बोला तो यार उल्टी आ जाएगी। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं इस मूवी में कमियां क्या है जो भर भर के है। कमियों की अगर बात करें तो देखो यार सबसे बड़ी कमी यार कौन है वो लोग जो इस तरीके की मूवी की डिमांड करते हैं, और कौन है वो लोग जो इस तरीके की मूवी बना लेते हैं, मतलब कौन सा नशा फूंक कर बैठते हो। तो अपने आसपास कोई समझदार इंसान नहीं बिठाया होता क्या, उनको कहानी नहीं सुनाई होती क्या, उनको ये मूवी बनने के बाद दिखाते नहीं हो यार हमने ये कचरा बना लिया है, लोगों के सर में दर्द करेगी या नहीं करेगी, थोड़ा बहुत कोई समझदार इंसान है उसको दिखाओ। मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं उनको अगर सही टाइम पे 2-3 झापड़ पड़ गए होते तो शायद वो आज गाली खाने वाले काम ना कर रहे होते, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी के साथ जिसका कोई सर पैर नहीं है वो मूवी हमें दिखा दी जाती है, जिसको देखकर यार सर में दर्द हो जाता है। इस मूवी की कितनी महान कहानी है इससे ऐसे ही पता लगा लो कि यार एक कपल है जिसको एक आत्मा परेशान कर रही है और बाद में उसकी आत्मा का कोई पास्ट है वो उनसे रिलेटेड निकलता है। यार इतनी बार हमने बॉलीवुड की बोरिंग सी घटिया सी वो मूवीज देख चुके हैं जिनके अंदर वही सेम पैटर्न हमें नजर आता है और लास्ट में हमें पता ही चल जाता है यार ये ऐसे ही किया होगा, बस इसकी एंडिंग ऐसे है, सब प्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं और वो मतलब पता चल जाती है। पर एक पल के लिए भी मतलब 0.0001% भी अगर हम मान लें कि यार इसकी कहानी को थोड़ा बहुत अच्छा सा समझ लें या फिर हम उसको सह भी लें, बाकी अगर बात करें इसमें जो परफॉर्मेंस है यार वो और सरदर्द कर देती है। इवन जो घटिया जो डायलॉग हैं वो बहुत ज्यादा वाहियात हैं, वो आपको मतलब पका के ही मानेंगे, आपको मतलब ऐसे सर में दर्द करे बिना वो मतलब चैन ही नहीं लेंगे, इस तरीके के डायलॉग रखे गए हैं। और परफॉर्मेंस में मैं बात करूं तो देखो बाकी जितने भी कलाकार हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को अगर हम हटा दें साइड में, उनकी तो परफॉर्मेंस समझ सकता हूं कि उन्होंने यार घटिया काम किया होगा, उनको घटिया काम आता ही होगा, लेकिन
लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर उनसे तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं। मुझे लगता है कि यार उन्होंने का मन ही नहीं था ये मूवी करने का, बस उन्होंने धक्के से ही ये मूवी साइन कर ली होगी। मतलब हैरानी की बात है यार, इतने बढ़िया कलाकार है, क्या उनको क्या मूवीज नहीं मिल रही है? वो इस तरीके की घटिया चीप मूवीज में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एक सीरियस इशू भी उठता है यार कि यार वाकई में इतने बढ़िया कलाकार है जिनको कोई बढ़िया काम नहीं मिल रहा है, जो इतनी थर्ड क्लास, इतनी घटिया, इतनी वाहियात मूवी जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, जिसके घटिया डायलॉग है, जिसमें परफॉर्मेंस बाकी के देखे वो घटिया है, उन जैसी मूवीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जैसे इतने महान कलाकार को काम करना पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात आती है। मतलब उनका परफॉर्मेंस देखे ना यार, यकीन ही नहीं करोगे कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस इनकी इतनी अच्छी होती है, वो इस तरीके की परफॉर्मेंस मूवी में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिलो एवरेज रही है, या फिर वो आप सहन ही नहीं कर सकते। और ना ही मूवी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है कि यार हाँ यार बहुत दमदार म्यूजिक रख दिया हो, डायरेक्शन एकदम घटिया है इस मूवी का, और VFX वाह यार मतलब कमाल है। अगर कैमरे को दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलाने से ऐसे लगेगा कि अरे अरे भूत आ गया, चुड़ैल आ गई, इससे लोगों को डर लगने लग जाएगा, लोग यकीन कर लेंगे और हाँ यहाँ पर ये तो भूतिया मूवी है, बस एक लेडी आएगी सामने से ऐसे हाथ करेगी, लोग बस हवा में उड़ जाएंगे, वो हो गए तुम्हारी VFX, वो हो गई तुम्हारी हवा चल रही है, वो बस हो गया तुम्हारा भूतियापन। वो यार भूतियापन दिखा रहे हैं ये लोग, कसम से यार वो देख कर तो यार मैं सच को मेरे तो पैर कांपने लग गए, मैं देख ही नहीं पाया, इतनी डरावना सीन मैंने देखा है वो। ओ वाकई यार सच में मतलब सोचो इस मूवी को अगर थिएटर में रिलीज किया होता लोग तो पर्दा पार के चले जाते, मत कितनी घटिया, इतने लोगों के रुपए वेस्ट हो जाते, टीवी पे भी लोगों ने पक्का यार टीवी बंद कर दिया होगा। हम जैसों को तो इसलिए मूवी देखनी पड़ गई क्योंकि यार ये मूवी का रिव्यू करना था। ओवरऑल अगर बात करें मूवी की तो देखो आपको आपके सर में दर्द कराना हो, एक घटिया परफॉर्मेंस के साथ, घटिया डायरेक्शन के साथ, वाहिया स्टोरी के साथ, एक स्लो, एक आलस आपको इस मूवी में देखना है कि आलसी लोग कैसे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये मूवी देख सकते हो। मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो मैं तो रिकमेंडेड करने वाला हूं नहीं यार, आपका अपना सर है, अगर उसमें दर्द कराना है तो बेशक देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।